नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। तो हमारे पास मिस्टर प्रमोद जैन है, उनकी एक प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम के ऊपर हम आपके साथ सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे मटेरियल्स है, यहाँ पे मटेरियल का ग्रुप है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर है। अभी यहाँ पे डिस्काउंट हमें देना है। जी हाँ, डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट देना है वो एजिंग के हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एजिंग के हिसाब से देना है कि अगर 13 महीने से ज़्यादा लेट हो गया है तो हम इस पर 2% की डिस्काउंट दे देंगे। जैसे कि पुराने माल, जो जितना ज़्यादा पुराना माल होगा उस पे उतनी ज्यादा डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट का एक हमारे पास स्लैब यहाँ दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट कोड है, इस प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग और उसकी एज के अकॉर्डिंग ये हमारा है कि अगर प्रोडक्ट 13 से 14 में 24 महीने का है तो 10% देना है, उससे पहले पे कोई डिस्काउंट नहीं। 25 से 26 36 महीने पे हमें ये डिस्काउंट देना है, 37 से 48 महीने पे ये डिस्काउंट देना है और 49 महीने पे मुझे इस 49 महीने या उससे ऊपर पे ये डिस्काउंट देना है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये आपका मटेरियल ग्रुप है और इस मटेरियल ग्रुप का ये रहा प्रोडक्ट, जो कि क्योंकि मटेरियल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्काउंट नहीं है, हमें हमारा जो डिस्काउंट है वो मटेरियल कोड के अकॉर्डिंग है, जो पार्टिकुलर्स है उसके अकॉर्डिंग से है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है। तो कैसे करें, चलिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत मजेदार इसमें फॉर्मूला लगने वाला है, तो प्लीज पूरे अंत तक वीडियो को देखें। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस दिसंबर महीने में 5,000 से ऊपर 3,000 तक मेरा वीडियो पहुंच चुका है। 2,000 वीडियो और डलने वाले हैं हमारे यूट्यूब के इस चैनल पे और 2,000 नए टॉपिक्स, नए ट्रिक्स, नए फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेगा। सो प्लीज फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टॉपिक में बढ़ते हैं। तो यहां पे हमें डिस्काउंट निकालना है, तो पहले परसेंटेज निकालेंगे फिर हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो इससे पहले हम यहां पे आपके सामने, हमारे पास इस तरह का टैब था तो हमने उसको इस तरह से कर दिया है, मतलब कि स्टार्टिंग 0 से 13 पे कुछ नहीं देना है तो हमने यहाँ पे 0 वाला दे दिया, 13 24 पे देना है 13 वाला दे दिया, 25 से 36 पे देना है। तो सबसे सबका जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग हमने यहाँ पे डाल दिया तो ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर 14 महीने का डिस्काउंट देखना है तो मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड कॉमा हम यहाँ पे 1 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, मतलब तीसरा नंबर कॉलम और तीसरे नंबर कॉलम से वी लुकअप से डेटा उठ सकता है। जी हाँ, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एज निकालने होंगे। जी हाँ, एज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। डेटेड इफ के फॉर्मूले में हम यहाँ पे देंगे स्टार्ट डेट, लेकिन स्टार्ट डेट हमारा टुकड़ों में है, मंथ और ईयर में है। तो इसके लिए डेट को ज्वाइन करने वाला फॉर्मूला होता है उसको लेता हूँ एंड कॉमा हमने इसको लिया और डे मैनुअली 1 दे दिया और करेंट डेट ताकि ये जी पता कर सके उसके लिए मैं यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगाता हूँ। टुडे का फॉर्मूला लगा तो और इसमें क्या डिफरेंस निकालना है, तो इसमें लगाना है हमें मंथ का डिफरेंस, एम दे दिया तो ये आपका मंथ का फॉर्मूला आ गया कि 75 महीने का डिस्काउंट डिफरेंस है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ये डिफरेंस निकल गया। अब मुझे इस डिफरेंस, इस एजिंग से इस मटेरियल कोड का परसेंटेज शो करना है। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे यहां पे जो है वो क्या है, यहां पे मटेरियल ग्रुप है बट यहां पे मटेरियल का पार्टिकुलर से कोड है, तो पहले ग्रुप से कोड निकालना होगा। तो उसके लिए मैं यहां अगेन वी लुकअप लगाऊंगा कि वी लुकअप
ताकि लुकअप वैल्यू पता चल जाए कि इस डेटा को मुझे इसमें सर्च करना है। तो ये आपका पीसीआर आ गया। तो अब मुझे अब क्या करना है कि पीसीआर का इसमें से पीसीआर का और ये ऊपर का जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका परसेंटेज चाहिए। तो अब मैं यहां पे वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमारा पीसीआर है। डेटा में जाएंगे, डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे जो कॉलम नेम है, 25 है तो एक कॉलम होगा, अगर 35 हुआ तो एक कॉलम होगा, अगर 15 हुआ तो इस कॉलम का डेटा लेना है। तो इस तरह की चीजें बताना कौन बताएगा, बताएगा मैच। तो अभी मैंने बताया था आपको किस तरह से करना है मैच। हमने यहाँ पे 75 कॉमा और डेटा में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0, नहीं यहाँ पे 1 देना है 0 और फिर इसमें कॉमा 0, डी लुकअप का 0। तो ये आपका परसेंटेज आ गया। अब लेकिन फॉर्मूला मुझे एक सेल में चाहिए, तो हम मैं सबको मर्ज करता हूं। तो मैंने इसकी फॉर्मूला लिया और यहां जहां पे हमारा पुणे में F2 है इसके जगह पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूं। फिर इस फॉर्मूला को लेता हूं, ये कौन सा है G2, और यहां जहां G2 है उसके जगह पे पेस्ट कर देता हूं। अब इसको कट करके मैं यहां रख देता हूं, तो ये आपका परसेंटेज आ गया। लेकिन मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा डेटा को। S2 से डेटा वाले जितने भी सीट है सबको फ्रीज करना है ताकि रेंज अपने आप को चेंज ना करे। लेकिन मुझे इसमें डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया यहां पे, और नीचे तक ड्रैग कर देता हूं और इसमें परसेंटेज दे देता हूं। तो ये रहा परसेंटेज। तो इसके लिए हमने वीलुकअप के अंदर वीलुकअप, उसके अंदर मैच, उसके अंदर डेटा, ऐसे सारे फॉर्मूले को कंबाइन किया। लेकिन मैंने इसको आपको स्प्लिट करके एक्सप्लेन किया जो आपको इजीली समझ में आ गया। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, और आप हमारी क्लासेस को लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 सेशन देते हैं जूम ऐप के थ्रू, जो कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से मेरे साथ ले सकते हैं लाइव, और अपने टोटल क्लास टोटल जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।